हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, PBS वीडियो देखिए। यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं, हमारा वीडियो देखिए। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उनका लाभ ले सकें। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और PDF चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज द्वारा हमें अपनी डिमांड बताइए, हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गणित की पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे। ये हमारी गणित की 34वीं पाठ्य योजना है। अभी तक हम गणित की 33 पाठ्य योजना बना चुके हैं, उम्मीद है आपने देखी होंगी। और यदि नहीं देखी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे खोलिए, वहाँ पे आपको सारे मैथ्स के वीडियो एक साथ देखने मिलेंगे। देखिए और वीडियोज़ के लाभ लीजिए। फिर उसके बाद हम ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाते हैं, जिसमें कि नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, समय, कालांश और प्रकरण डालते हैं। यहाँ पे नाम की जगह पे आपको लिखना होगा शिक्षक प्रशिक्षक का नाम, यदि आप NIO से DL कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, यदि आप BA, DL, BTC या कोई और नाम से पुकारा जाने वाला व्यावसायिक शिक्षा कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें। विद्यालय के नाम में NIOS वाली टीचर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें जो भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए सेंटर अलॉट किया जाएगा, स्कूल अलॉट किया जाएगा, उसका नाम लिखेंगे। कक्षा हमारी पहली का प्रकरण है, विषय है गणित। प्रकरण हमारा 1 से 5 तक अंक लिखना, यानी कि अभी तक उन्हें गिनती बोलनी आती है लेकिन लिखना नहीं आता है, हमें वो सिखाना है। सामान्य उद्देश्य गणित पढ़ाने के, हमारे सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे सभी पाठ्य योजना में, तो यहाँ मैंने पूर्वानुसार लिखा है, आप चाहें तो पिछली वीडियो से देखकर लिख लें। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण है 1 से 5 तक के अंक लिखना, तो यही हमारा उद्देश्य होंगे विशिष्ट की, छात्र छात्राओं को कंकड़ आम के द्वारा गिनती का बोध कराना, या कुछ और ले सकते हैं, स्केच पेन पेंसिल वगैरह लिख लीजिए। फिर विद्यार्थियों को 1 से 5 तक अंक लिखना सिखाना। फिर अधिगम सामग्री, अंकों का कटआउट, यानी कि जो कटिंग वाले होते हैं जिसमें हम उन्हें पेन चला चला के लिखना सिखाएंगे, चार्ट, लपेट, चम्पट और संकेतक, ये हो गया हमारा अधिगम शिक्षण सामग्री। पूर्व ज्ञान, कुछ बच्चे 1 से 10 तक गिनती जानते हैं, कुछ 1-2 लिखना जानते हैं, यानी कुछ घर में सीख चुके हैं पहले तो वो 1-2 लिखना भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हमें सिखाना है 5 तक उन्हें। फिर शिक्षण विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि और अनुकरण विधि। फिर है प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, प्रशिक्षु, शिक्षक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाएंगे। इसमें हम उन्हें तस्वीरें दिखाते हुए प्रश्न करेंगे, यानी आप ये तस्वीरें छोटे छोटे कार्ड्स पे बनाकर ले जाएं और उन्हें दिखा दिखा कर प्रश्न पूछें, ये कितनी बॉल है तो बताएंगे 1, ये कितनी आइसक्रीम है तो वो बताएंगे 3, ये कितने स्टार हैं तो वो बताएंगे 3, आप 1 लिख कर दिखाइए, तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। तब हम उन्हें लिखना 1 से 5 तक गिनती लिखना सीखेंगे, ये उद्देश्य कथन बोलेंगे और अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे, जिसमें हम क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार या फिर अध्यापिका व्यवहार या प्रशिक्षु शिक्षक व्यवहार, शिक्षण विधि, विद्यार्थी व्यवहार और श्यामपट कार्य कॉलम बनाएंगे। इसमें हम कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे उनसे, जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि सूर्य की संख्या कितनी है तो वो बताएंगे 1, आपकी आंखें कितनी हैं 2, आपके हाथ में उंगलियां कितनी हैं तो वो बताएंगे 5। फिर इसी तरह हम उनसे और भी प्रश्न कर सकते हैं, जो उन्हें कक्षा में चीज़ें दिख रही हैं वो देख के खाकर पूछ लें। फिर शिक्षक कथन कविता, ये जो कविता है इसके माध्यम से कि चंदा 1 बहुत है तारे, इस तरीके से जो गिनती वाली कविता हम वो सुनाएंगे। इसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यान से शिक्षक की कविता में आए गिनती को समझेंगे। और फिर बच्चे को अंक के कटआउट की सहायता से लिखने का अभ्यास कराया जाएगा और गिनती को ब्लैकबोर्ड पर भी लिखा जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसमें हमारा बहुत सारा समय जाएगा, हम पहली बार उनको गिनती सिखा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कब 40 मिनट का पीरियड निकल जाएगा, इसलिए समय को थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, हम 1 से 5 तक का अभ्यास करवाएंगे। फिर कक्षा कार्य, हम उन्हें कक्षा में कुछ कार्य करने के लिए देंगे, 1 से 5 तक गिनती लिखने के लिए कहेंगे, जिन्हें नहीं आई है हम उनके पास जाकर लिखवाएंगे। और
या फिर हम बीच बीच में अपने पिछले दिन का बच्चों का होमवर्क भी चेक करेंगे, क्योंकि जब हम होमवर्क चेक करते हैं तो हमें उन्हें कुछ कार्य देना पड़ता है जिससे वो कक्षा में शोर ना करें, हमारा कक्षा से नियंत्रण ना जाए। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, हम उन्हें घर से करके लाने के लिए जो होमवर्क देंगे, 1 से 5 तक गिनती लिख कर लाओ, रिक्शे में कितने पहिए होते हैं, तुम्हें कितने कान हैं, तुम्हारे पैरों में कितनी उंगलियां हैं, तुम्हारे कितने पैर हैं, इस तरीके से हम उन्हें गृह कार्य देंगे। फिर उसके बाद आता है टिप्पणी, में जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है, हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।